नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक यूनिक ऑनलाइन क्राफ्ट कॉन्टेस्ट 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्री पार्टिसिपेशन करके एक और जहां अपनी क्रिएटिविटी को आप इनहेंस कर सकते हैं, वहीं साथ ही फ्री ई सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है इसकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, चलिए जान लेते हैं। इशू आर्ट एंड क्राफ्ट प्रेजेंस कॉन्टेस्ट इन विच एनीवन कैन पार्टिसिपेट, नो एज लिमिट, दैट्स ऑसम। नेक्स्ट वन, दिस इज DIY डू इट योरसेल्फ कॉन्टेस्ट, यू कैन मेक एनी DIY प्रोजेक्ट्स और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट, बट नो चीटिंग इज अलाउड, सो बी केयरफुल। रिवॉर्ड्स, ओके, टॉप 3 विनर्स विल बी सेलेक्टेड, विनर्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीट एंड क्लीन वर्क एंड व्हाट दे मेड, दैट्स मीन कार्य आपका साफ सुथरा, स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए और आपकी क्राफ्ट क्रिएटिविटी कितनी पावरफुल एंड प्रेजेंटिव है, इस पर भी आपका विनर बनना निर्भर करता है। विनर्स विल गेट विनिंग सर्टिफिकेट एंड अदर पार्टिसिपेंट्स विल गेट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड दैट्स वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिगनिंग डेट 12th of October 2020 एंड लास्ट डेट 25th of October 2020, सो हरी अप। एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन नेक्स्ट डेट, दैट्स मीन 26th of October 2020, सो कांग्रेट्स इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर हियर। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल का लिंक यहां पर शो हो रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना रिजल्ट चेक आउट कर सकते हैं। रिगार्डिंग सबमिशन प्रोसेस, ओके, सबमिशन करना भी बहुत इजी है। कैसे, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यू हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट वन व्हाट्सएप एंड सेकंड वन इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप नंबर इज 9878747855 एंड इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके थ्रू भी आप अपना सबमिशन फुलफिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करें और साथ ही अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।